नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई लूसी ग्रे पोएम की समरी हिंदी में लेके आया हूँ। बहुत ही छोटी सी पोएम है लूसी ग्रे, और ये पोएम एक ओरिजिनल इंसिडेंस पे बेस है कि इनकी जो सिस्टर थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोर थी, उन्होंने ये बताया था कि हेलीफिक्स के पास रहने वाली एक छोटी सी लड़की थी, वो एक तूफान में गायब हो गई थी और वो पानी में डूबकर मर गई थी। तो इस चीज से बेस्ड होकर उन्होंने ये पोएम बनाई। ये एक पैथेटिक पोएम है, और ये पोएम सबसे पहले 1799 में लिखी गई थी, और वर्ड्सवर्थ ने इसको 1800 में पब्लिश किया था, सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। ये एक बैलेड है, और ये बैलेड मीटर में लिखा हुआ है, जिसमें ए बी के पैटर्न से राइम स्कीम होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑफ आई हैड हियर्ड ऑफ लूसी ग्रे, मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना है। एंड आई क्रॉस द वाइल्ड, आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ द डे द सॉलिटरी चाइल्ड। और कहता है कि जब मैंने वो वाइल्ड जंगल को पार किया, तो मैंने दिन के अंधेरे में क्या देखा, उस सॉलिटरी चाइल्ड, अकेले बच्चे को देखा। नो मेट नो कॉमरेड लूसी नो, उनका कोई दोस्त नहीं था, कोई साथी नहीं था। और ये जो स्टैंजा है, ये जो 6 लाइनें हैं, ये इसकी सबसे फेमस 6 लाइनें मानी जाती हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि उनका कोई उसका कोई साथी नहीं था। शी ड्वेल्ट ऑन ए वाइड मूर, वो एक दलदल में रहती थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड ए ह्यूमन डोर, जो एक इंसान के घर के पास में सबसे प्यारी चीज क्या बन सकती थी, दलदल, और वो दलदल के पास ही रहती थी। यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले, आप हिरन के बच्चे को देख सकते हैं। द हेयर अपॉन द ग्रीन, जंगल में आप रैबिट को देख सकते हैं। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, पर वो लूसी ग्रे का जो प्यारा चेहरा है वो नहीं दिखाई देगा। टू नाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, आज की रात एक तूफानी रात होगी। यू टू द टाउन मस्ट गो, और आप टाउन जाना। एंड टेक ए लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, और अपनी मम्मी को तूफान में लालटेन से मदद करना। अब लूसी जो है वो अपने पापा की बात मान लेती है। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, इट इज स्केयरली आफ्टरनून, कहती है कि पापा ये मैं खुशी खुशी से करूंगी, अभी तो आफ्टरनून ही हुई है, मुश्किल से ही आफ्टरनून हुई है। चर्च की घंटी ने अभी जस्ट दो दो बजाई हैं। एंड योंडर इज द मून, एंड थस द फादर रेज हिज हुक, और उसके फादर जो थे वो अपना काम करने लगे। एंड स्नैप्ड ए फैगोट बैंड, फैगोट बैंड का मतलब है कि वो अपने जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। ही पाइल्ड हिज वर्क, उन्होंने अपना काम इकट्ठा किया। एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और लूसी ने अपने हाथ में लालटेन ले ली। नॉट ब्लीदर इज द माउंटेन रो विद मैनी ए वांटन स्ट्रोक, अब वो कहता है भी जंगल में हिरन भी इतना खुश नहीं होता जितनी खुशी खुशी लूसी जा रही है। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेस अप लाइक स्नो, एक सिमली यूज करते हैं वर्ड्सवर्थ, वो कहते हैं कि उसके पैरों पैर जो थे वो उस बर्फ पाउडर जैसी बर्फ में वैसे धस रहे थे जैसे जो कि स्मोक की तरह उठ रही थी। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, तूफान अपने समय से पहले ही आ गया। शी वांडर्ड अप एंड डाउन, और वो इधर उधर घूमती रही। एंड मैनी ए हिल, और वो डिड लूसी क्लाइम, और एक पहाड़ी पर चढ़ गई। बट नेवर रीच द टाउन, पर वो कभी कस्बे में नहीं पहुंची। ये वर्ड्सवर्थ ने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही थी, लेकिन यहाँ इस स्टैंजा से हमें क्लियर होता है। द रैचड पेरेंट ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, जो परेशान माँ बाप थे वो सारी रात इधर उधर चीखते रहे, लूसी लूसी चिल्लाते रहे। बट देयर वॉज नीदर साउंड नो साइट, पर ना तो लूसी कोई जवाब आया ना लूसी कहीं दिखाई दी। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, जिससे उन्हें कुछ पता चल सके। एट डे ब्रेक ऑन ए हिल दे स्टूड दैट ओवर लुक दी मजूर, और अब वो कहता है कि जब दिन खत्म हुआ
तो दिन खत्म होने के बाद वो पहाड़ी पर खड़े हो गए। जो पहाड़ी जो थी वो पहाड़ी पर उन्होंने क्या देखा, दे ओवर लुक्ड द मजूर। और उन्होंने क्या हुआ, मजूर को देखा, मजूर शायद मजदूर। एंड देन दे सा द ब्रिज ऑफ वुड, तब उन्होंने जंगल का एक में लकड़ी का एक ब्रिज देखा, ए फरलोंग फ्रॉम देयर डोर, जो कि उनके दरवाजे से कुछ ही दूर था। दे वेप्ड एंड टर्न्ड होमवर्ड, और वो अपने घर की तरफ मुड़े और बोले, इन हैवन वी ऑल शैल मीट, और हम दोनों अब क्या मिलेंगे, स्वर्ग में ही मिलेंगे। एंड देन इन स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, और तब स्नो के अंदर मम्मी को क्या दिखा, लूसी के पैरों के प्रिंट दिखे। देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज दे ट्रेस द फुट मार्क्स माल एंड थ्रू द बोकन हाथरोन हेज एंड बाय लॉन्ग स्टोन वॉल, और इस तरह से फिर वो चले गए ऊपर पहाड़ी से। वो पहाड़ी से ढूंढ रहे थे तो पहाड़ी के बाद वो नीचे आए, और नीचे आके उन्होंने क्या देखा कि उन्हें एक उन्हें छोटे छोटे से उन्हें फुट मार्क मिले, और वहाँ से उन्हें एक जगह पर टूटी हुई हैज, हैज मतलब बाड़, जो हम खेतों वगैरह के लगाते हैं, हाथरुन के एक टूटी हुई ने बाड़ दिखी। और उस बाड़ के बाद में उन्होंने एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और फिर वहाँ उन्हें एक बड़ी सारी पत्थरों की दीवार दिखी, एंड टू द ब्रिज देखे, और ऐसा करते करते वो ब्रिज तक आ गए। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, उन्होंने वो उस जो बर्फ से जमा हुआ किनार था उसको फॉलो करते रहे। दोज फुट मार्क वन बाय वन, एक एक करके उसका पीछा करते रहे, इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक, और ऐसा करके वो प्लैंक तक पहुंच गए। एंड फर्दर देयर वर नन, और अब वहां पे कोई नहीं था। येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे, फिर भी कुछ लोग आज क्या कहते हैं, और ये जो पैराग्राफ है ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि ये जो दो पैराग्राफ है इन्हीं से ही हम कह सकते हैं मुझे उम्मीद है कि अगर कोई कोटेशन आएगी तो वो यहीं से आएगी। एक तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ और एक ये वाला पैराग्राफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं। And yet some maintain that to this day, कुछ लोग आज भी ये कहते हैं, she is a loving child, बहुत ही प्यारी बच्ची है, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild, और आप अकेले जंगल में आप आज भी लूसी ग्रे को, प्यारी सी लूसी ग्रे को देख सकते हैं। Over the rough and smooth she trip along, वो rough और smooth जगह पर चलती है, and never look behind, मुड़कर कभी नहीं देखती है, एंड sings a solitary song that whistle in the wind, और वो एक मधुर अकेला सा दुखी सा गाना गाती है जो आज भी wind में हवा में whistle करता है। बहुत ही शानदार poem है, और वैसे आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, धन्यवाद।